Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn class 6 English chapter 4. Let us start another part of the same chapter, Musa Ali's Camel. See page number 44 of your textbook. Sama was surprised to see the camel cough in the company of a boy. Sama hairan ho gayi, isne dekha camel cough. जो है ऊंट का बच्चा जो है वो बच्चों की कंपनी में है. दीक्षित डोलमा पॉइंटेड टुवर्ड्स द बॉय सेड लुक ही इज मूसा अली. दीक्षित डोलमा ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोला ये ऊंट का बच्चा जिसके पास है वो मूसा अली है. आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज डोलमा आस्क्ड मूसा अली टू टेल देम समथिंग अबाउट द बैक्टेरियन कैमल. बैक्टेरियन कैमल आपस में इन्होंने अच्छी अच्छी बातें की. डोलमा ने मूसा अली से कहा कि मुझे कुछ बताए आप बैक्टेरियन कैमल के बारे में. मूसा अली आस्क्ड देम टू अकंपनी हिम अलॉन्ग विथ हिज कैमल कॉफ इन टू द विसिनिटी ऑफ हिज विलेज डेस्किट वायर ए ग्रुप ऑफ वाइल्ड बैक्टेरियन वॉज प्रेजेंट. मूसा अली लड़कियों को ऊंट के बच्चे के साथ गांव डिस्किट ले गया जहां पर वाइल्ड बैक्टेरियन कैमल का झुंड हाजिर था. द बैक्टेरियन कैमल इज ओरिजिनली ए नेटिव ऑफ मंगोलिया वायर इट इज कॉल्ड द हपगई. बैक्टेरियन का ऊंट हकीकत में मंगोलिया का बाशिंदा है जहां इसको हफ गाय कहकर पुकारा जाता है. हाउएवर इट इज आल्सो फाउंड इन रिमोट एरियाज ऑफ द गोबी एंड तकला मकान डेजर्ट्स इन मंगोलिया एंड चाइना वायर इट वॉज हैविली हंटेड फॉर इट्स हाइड एंड मीट. ये गोभी के दूर दराज इलाकों में तकला मकान के रेगिस्तान में और चैन में भी मिलता है जहां पर इसकी खाल और गोश्त के लिए शिकार किया जाता है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कराक्रम एंड सिल्क रूट वॉज ऑन द डबल हम्पर्ड बैक्टेरियन कैमल बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन द माउंटेन्स एंड डेजर्ट ट्रेल्स. दिलचस्प बात यह है कि कराकरम और सिलिक रूट में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसी डबल बैक्टेरियन कैमल का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस ऊंट की परफॉर्मेंस पहाड़ों और रेगिस्तान में बहुत अच्छी है. डबल हम्पर का मतलब क्या है बच्चों आप पेज नंबर 66 देखो 44 बच्चों आप पेज नंबर 44 पर आप ऊंट की तस्वीर देख रहे हो. इसमें एक ऊंट के कमर पर दो जगहों पर ये ऊंचाई दिख रही है एक यहाँ और एक यहाँ. इसको हम हम्प कहते हैं. क्या कहते हैं अब इसको दो है इसको हम डबल हम्प कहते हैं. बच्चों आज यहीं तक इंशाल्लाह कल इसके आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.